पे आप इजीली देख सकते हैं कि 1500 प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे हमें मैसेज भी आ गया है क्या SBI क्रेडिट कार्ड से डेबिट हो गया 1500 और ICICI बैंक में रिसीव हो गया इंस्टेंटली। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आपको सुपर पे ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको ओपन कर लेना, इस तरह से आपका इंटरफेस दिखेगा एप्लीकेशन का। उसके बाद आपको एक्सेप्ट एंड गो सुपर, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करोगे, उसके बाद OTP आएगा उसको इंटर कर देना। उसके बाद आपको पे टू पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आप UPI के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप जैसे कि बैंक अकाउंट के थ्रू करना है तो उसका आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल देना। UPI के थ्रू करना है तो आपको UPI डाल देना, उसके बाद वेरीफाई UPI ID पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद आपको जितना ट्रांसफ़र करना है आप यहाँ पर उतना अमाउंट डालोगे। जैसे कि हमें आप सिर्फ 1500 के लिए डालना है सिर्फ ट्रायल के लिए, ताकि हमको पता चल जाए कि इससे पेमेंट रिसीव भी होता है या सिर्फ कट जाता है। उसके बाद कन्फर्म अमाउंट पर क्लिक करना है, एड न्यू क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करना है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डाल देना है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड का 16-digit नंबर हो गए, क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी डेट, उसके बाद क्रेडिट कार्ड होल्डर नेम, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का जो CVV होता है पीछे तरफ उसको डाल देना है। उसके बाद ऐड कार्ड पर क्लिक करना, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका क्रेडिट कार्ड ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमें पर्पज़ सेलेक्ट कर लेने हैं एजुकेशन फीस के नाम से, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हमारा पर्पज़ भी सिलेक्ट हो चुका है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट गेटवे में भी जाएगा, वहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड की तरफ से OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, उसको एंटर करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि 1500 प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे हमें मैसेज भी आ गया है क्या SBI क्रेडिट कार्ड से डेबिट हो गया 1500 और ICICI बैंक में रिसीव हो गया इंस्टेंटली। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई भी टाइम गैप नहीं है और ना ही एक मिनट का अंतर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका 1x1 रिप्लाई करूँगा।